नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोरोना महामारी से भारत बुरी तरह से त्रस्त है। हर रोज लाखों की संख्या में केसेस आ रहे हैं। देश ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की समस्या से भी जूझ रहा है। इसके अलावा आईपीएल से भी खिलाड़ी कोरोना के डर से किनारा कर रहे हैं। लेकिन अब हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसके जानने के बाद आप भी कहेंगे कि खिलाड़ियों को अब आईपीएल खेलना ही पड़ेगा। अगर वो आईपीएल छोड़ते हैं तो उनको जेल भी हो सकती है। चलिए अब आपको पूरी खबर बताते हैं। आप तो जानते होंगे कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगा दी, जिसके बाद भारत में आईपीएल में खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को घर वापस लौटने की चिंता सताने लगी थी। इसी बीच कुछ खिलाड़ियों ने समय रहते आईपीएल छोड़ भी दिया, लेकिन अब ऑस्ट्रेलियाई सरकार ऐसा नियम लाने जा रही है जिससे भारत से ऑस्ट्रेलिया आने वाले लोगों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यही नहीं, उनको जेल भी हो सकती। ऐसे में अगर अब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स अपने देश लौटते हैं तो उनको जेल जाना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की माने तो भारत से ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना लगाने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही। भारत से ऑस्ट्रेलिया आने पर उसको अपराध करार देकर अधिकतम $66,000 का जुर्माना या 5 साल की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। आपको बता दें कि 36,000 ऑस्ट्रेलियाई विदेशों में फंस गए, वहीं भारत में 9,000 ऑस्ट्रेलियाई जिनमें आईपीएल में हिस्सा ले रहे खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ भी शामिल है। आईपीएल की बात करें तो इनमें डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा अन्य बड़े नाम फ्रेंचाइजी, कोचिंग स्टाफ या सपोर्ट स्टाफ और टीवी कमेंट्री टीम का हिस्सा है। उनमें रिकी पॉन्टिंग, डेविड हसी, ब्रेटली और मैथ्यू हेडन जैसे दिग्गज शामिल। कुछ खिलाड़ियों की घर वापसी की मांग पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पहले कहा था कि खिलाड़ी आईपीएल के लिए निजी तौर पर भारत गए, इसीलिए उन्हें अपनी वापसी खुद ही सुनिश्चित करनी होगी। ऐसे में सरकार इन खिलाड़ियों की कोई भी मदद नहीं कर सकती। वहीं अब इन खिलाड़ियों का स्वदेश लौटना और मुश्किल हो गया। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही स्पोर्ट्स से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहे स्पोर्ट्स आर के साथ।